हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नाजिस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ये होंडा एक्सेंट। इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेसर हो गया है, इसलिए इसका इंजन ओवरऑल करने वाला है। तो इसका पहले हम इंजन जो बैक कंप्रेसर है उसको दिखा देता है स्टार्ट करके। चलो स्टार्ट कर। कभी कभी बहुत लंबा सेल भी ले रहा है। अभी सुबह है, देखते हैं एक सेल पे स्टार्ट होता कि नहीं होता। स्टार्ट तो हो गया है। अभी जितना गर्म होता जाएगा उतना बैक कंप्रेसर का या निकलेगा, देख सकते हो। अभी जितना गर्म होगा उतना बैक कंप्रेसर देगा। देख सकते हो अभी तो सुबह है, इतना बैक कंप्रेसर दे रहा है। और जैसे जैसे गर्म होते जाएगा उतना ज़्यादा बैक कंप्रेसर बढ़ते जाएगा। थोड़ा अभी पिकअप डाल। तो इसको हम इसका जो इंजन जो है ओवर छोड़ दे, पिकअप छोड़ दे। इसका हम पूरा इंजन खोलने वाला है, इसको फुल ओवरऑल करेंगे। तो इसका वीडियो आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते रहिए किस वजह से इसका इतना बैक कंप्रेसर है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो इसका जो सामने बम्पर वगैरह था, रेडिएटर वगैरह था, हेडलाइट वगैरह खुल के इसका जो इंजन है दो जॉक का मदद से पूरा इंजन उतर लिया है। अभी पूरा इंजन को खोल लेंगे, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम से इसका जो बैक कंप्रेसर आया था उसको दिखाएंगे और उसका काम करेंगे। चलिए कंटिन्यू देखते रहिए। और इसका जो टार्बो है, टार्बो भी थोड़ा चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका जो इंजन है टोटली हम इधर खोल के ले लिया है। इसका जो प्रॉब्लम था हम डायग्नोस कर लिया है। तो आप लोगों को दिखाता है इसमें मेन प्रॉब्लम क्या था, इसलिए इतना बैक कंप्रेसर आ रहा था। सामने कैमरे सामने लेकर, लाइट सामने लेकर देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों पिस्टन है, तीनों पिस्टन में जो तीन नंबर का था वही मेन फंडा था। उसका जो पिस्टन चूड़ी है आप लोगों को दिखा देता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पिस्टन क्लियर करके देखा, इसका जो पिस्टन चूड़ी है इधर से टूट गया है। ठीक है, इधर से टूट के इधर अंदर डबल डबल देखिए डबल रिंग हो गया है, इधर घुस गया है। एकदम क्लियर देखा, डबल हो गया है। इसका चूड़ी जो है इधर से घुस के इधर डबल हो गया है, इधर से टूट के। ये तीन नंबर था, यही मेन फंडा था। इसके वजह से क्या हुआ, बैक कंप्रेसर ज़्यादा आ रहा था और इसका जो बोरिंग है बहुत ज़्यादा खींच गया है। कैमरा सामने ले गया, इसका जो बोरिंग है बहुत ज़्यादा इसका घिस गया है। ठीक है, इधर नखून अटक रहा है। और इसका जो बियरिंग है वो भी फ्रेंड्स देख सकते हो कितना ज़्यादा घिस गया है। तीनों का तीनों दिखा देता है। देखिए बहुत ज़्यादा घिस गया है। तो इसका वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, इतना बैक कंप्रेसर आ रहा था। इसका जो हेड है, हेड का भी थोड़ा इसका वाल्व सीट डाउन है, इसको भी हम काम करके लेंगे। इसका पिस्टन वगैरह सब कुछ काम करके फ्रेश करके कंटिन्यू वीडियो दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी जो इंजन का काम प्रॉपरली लेथ से काम होके आ गया है। तो अभी सारा सामान धुलाई करके रखा हुआ है, अभी फिट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को दिखा देता है ये वाला हेड, हेड का भी पूरा प्रॉपरली काम करके लेके आया और ब्लॉक का भी काम करके लेके आ गया। इंजन लाइनर लगा के, पिस्टन बिगिन सब कुछ लगा के एकदम प्रॉपरली रेडी करके लेके आया। ठीक है, और पिस्टन चूड़ी का जो गैप रहता है तो आप लोगों को देखा देता है 0.5 mm। इधर लेकर देखिए, इधर में हम टॉप रिम लगाया है, एकदम हल्का सा गैप 0.5। ठीक है, और एक कंप्रेसर रिंग इसको भी दिखा दो, इसमें भी एकदम ज़्यादा सा गैप। ठीक है, तो ऐसे रहना चाहिए तभी इसका इंजन का काम सही हो पाएगा। ठीक है, अभी इस पिस्टन जो चूड़ी है इसको हम पिस्टन में फिट करेंगे, उसका फिट करेंगे।
ब्लॉग में, तो कंटिन्यू देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम दिखाने वाला है, इसके बाद प्रॉपरली सब फिट करके टाइमिंग में दिखाएंगे, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी पिस्टन चूड़ी को हम पिस्टन में बैठा दिया है, अभी इसका जो पिस्टन है हम ठोकने वाला है अंदर, ठीक है। तो इसे इन क्लैंप में लगा देता है, तो इसको डबल करता है। देखो देखो लाइन ठीक है, दाएं बाएं घूरेगा, देखो फ्रेंड्स। अभी इस रैंक को मीटर हैंडल से टाइट कर लेंगे और ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री है एकदम, ठीक है। अभी इसका स्टेप बाय स्टेप फिट करने वाला हूँ, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इंजन का पहली काम है इसका टाइमिंग कवर का जो बेस प्लेट है इसको फिट करना होता है, ठीक है। तो इसको हम पेस्ट दे के बैठा दिया है, इसका जो बोल्ट है इसको हम फिट करेंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इसका हम हेड बैठाने वाला है, तो उसके पहले इसका जो गैस्किट है तो पुराना वाला अभी दिखा देता है। ये था होंडा का ओरिजिनल ही था, अभी गैस्किट भी होंडा का ओरिजिनल ही हम लेके आया है। दिखा, देखो नया वाला होंडा का लोगो दिखा दीजिए, इधर देखा, देखो क्लियर देखा, दिखा रहा है। तो हुंडई का ओरिजिनल ये भी गैस्किट है, तो इसको हम लगा देंगे। चल बेटा, सो फ्रेंड्स, इसका जो हेड है इसको हम प्रॉपर टाइट कर लिया है। इसका बाद इसका जो रोकर है तो इसको हम बैठाएंगे, तो रोकर बैठाने के बाद इसका कैम बैठाएंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इसका जो कैम है तो हम प्रॉपरली फिक्स कर लिया है। तो ये एग्जॉस्ट वाला कैम है, ये इंटेक वाला कैम है, तो इसका देखिए ई लिखा है मतलब ये एग्जॉस्ट, और इसमें आई लिखा है मतलब इंटेक, और एक देखिए एक दो तीन ऐसे करके नंबर दिया है सभी में, ठीक है। इसे नंबर मिला के आज जो तीर चिन्हों का आ रहे हैं वो सामने टाइमिंग की तरफ रख के इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी इसका जो हम इधर में पाम्प है, पाम्प को बैठाएंगे, फिर पाम्प को बैठाने के बाद इसका टाइमिंग बांधेंगे, ठीक है। कंटिन्यू देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इसका टाइमिंग दिखा देते हैं। तो टाइमिंग हम प्रॉपरली इसमें फिक्स कर लिया है, और टाइमिंग का लोकेशन आपको दिखा देता है। तो पहले ये देख लीजिए, ये बैलेंसर का टाइमिंग, ठीक है, और एक क्रैंक से पाम का टाइमिंग देखिए 8 TDC है,
तो ये जो मरका है TDC पर लेना होगा, ठीक है। और उसका साथ पाम का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इसमें एक मार्किंग है, ये बॉडी के साथ मिला रहना चाहिए, ठीक। और पाम का इधर एक मार्किंग है, पाम का इधर का मार्किंग से इधर कैम में दो मार्किंग दिया रहता है, देखिए, तो ये मार्किंग से मिलाना पड़ता है। तो ये था टाइमिंग, और बाकी दो टेंशन आ रहता है और गाइड रहता है, तो ये सब लगाना पड़ता है। अभी इसका हम टाइमिंग को बाद चेंबर ये सब लगाने वाला है, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो इसका टाइमिंग को अब दिखा दिया, इसके बाद इसका जो सिस्टम था वो पहले हम फिक्स कर लिया है। अभी इंजन कंप्लीट है, अभी गाड़ी में बैठाएंगे, उसके बाद इसका सारा वायरिंग है वो सब लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। चलिए कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसका इंजन गाड़ी में बैठा के कंप्लीट स्टार्ट करके ले लिया है। अब देख सकते हो इंजन अभी स्टार्ट में है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि अगले वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो चलते हुए अगले वीडियो के लिए, तब तक इंतजार करते हैं और इसको ट्रायल करके भी आपको चेक करा देंगे। कंटिन्यू देखते रहिए। चल गाड़ी में आओ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये गाड़ी टाइल मार है, NH6 पर है। तो हम जो इंजन का जो काम है बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। चल अभी आगे देखा, किलोमीटर देखा, रास्ता में देखा और कितना स्पीड में भागा रहे हैं उसको देखा। ज़्यादा स्पीड में नहीं भागाएंगे क्योंकि अभी इसके इंजन जो है हम नया बनाया है, दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखो, आगे देखो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक इंतजार कर लेते हैं।